बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेज़ आतिफ अपने यूट्यूब चैनल अकाई किचन गार्डनिंग के साथ। आज हम मौजूद हैं अपने घर की छत पर और आज हम बनाने जा रहे हैं अपने धनिए की, सरसब्ज़ धनिए की चटनी। और हम ऊपर अपनी छत से हार्वेस्ट करेंगे आज। ये देखें, हमारा सरसब्ज़ धनिया बिल्कुल तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। और ये धनिया मैं बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर चुकी हूँ और आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम अपने ऑर्गेनिक धनिए की चटनी बनाएं। तो आए इनको हम हार्वेस्ट करते हैं। बाज़ार से हम धनिया तो लेकर आते हैं मगर उस धनिए में इस जैसी महक अब नहीं आती। आप अपने घर में कम अज़ कम ये धनिया ज़रूर लगाएँ और इसकी महक से लुत्फ़अंदोज़ हों। इस जैसी खुशबू, हमें धनिया की खुशबू तो याद है मगर अब हमारे बाज़ारों से जो धनिया मिलता है उसमें ऐसी खुशबू बिल्कुल नहीं आती। आज हम इसकी मज़ेदार किस्म की चटनी तैयार करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत धनिया है और इसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह इसको काटें और अपने इस्तेमाल में लाएँ। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है और ये साफ़ सुथरा, साफ़ सुथरे पानी से तैयार किया हुआ है। अपने हाथ से लगाएं धनिया और उसको फिर अपने खानों में लग रहा है और ये साफ़ सुथरा, साफ़ सुथरे पानी से तैयार किया हुआ है। अपने हाथ से लगाएं धनिया और उसको फिर अपने खानों में इस्तेमाल करें और उसकी मज़ेदार लजीज किस्म की चटनी बनाएं, अपने और अपने प्यारों को खिलाएं। आज हमने यहाँ से धनिया लेना है और वो देखें सामने ये हमारी हरी मिर्चें भी तैयार हैं। यहाँ से हम अपनी चटनी में डालने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्चें लेंगे। ये देखें चटनी में डालने के लिए हमारी मिर्च भी तैयार है। ये देखें छोटी सी मिर्च कितनी प्यारी लग रही है और ये हमारी चटनी में जाएगी। इसके अलावा देखिए हमारी थोड़ी सी हम सैलड भी लेंगे और ये सैलड हमारी तैयार हो रही है, बंद गोभी भी तैयार हो रही है। आइए साथ साथ हम अपने किचन गार्डनिंग का राउंड लगाते हैं और साथ साथ देखते हैं कि हमारा पुदीना तैयार है कि नहीं। ये देखिए हमारी छत पर एक बहुत प्यारी टिक्की भी मौजूद है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और इसके अलावा ये देखें हमारी सैलड में इस्तेमाल करने के लिए, हमारी सैलड में इस्तेमाल करने के लिए ये देखें हमारे इस्तेमाल करने के लिए ये हमारा सलाद के पत्ते भी तैयार हैं और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप देख सकते हैं। आज हम इसको अपनी सैलड में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं, इनको भी आज हम अपनी सैलड में इस्तेमाल करेंगे। और साथ आप देख सकते हैं हमारी हरी प्याज भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रही है। अब हम देखते हैं कि हमारा पुदीना कहाँ है। ये देखें हमारी ब्रोकली भी, ये हमने ऊपर से हार्वेस्ट कर ली है ब्रोकली और अब हमारी ब्रोकली की टहनियों के साथ, एक टहनी के साथ माशाल्लाह पाँच पाँच ब्रोकली आई हुई हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत ज़्यादा ब्रोकली हमने यहाँ से इस्तेमाल की है और ये खाने में भी बहुत लजीज है। ये देखें जी, अब हम पहुँच चुके हैं अपने पुदीने के पास। हम अपने पुदीने के पास पहुंच चुके हैं और ये हम अपने पुदीने को भी हार्वेस्ट करते हैं और इसकी बड़ी प्यारी महक आ रही है। ये मैं बाज़ार से आम पुदीना लेकर आई थी लेकिन जब मैंने इसको अपने घर में लगाया है तो ये एक देसी पुदीना बन चुका है और बहुत ही शानदार ये पुदीना। और आज हम इंजॉय करेंगे अपने घर के पुदीने की हरी चटनी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।